ॲडवोकेट सतनाम सरांचं धन्यवाद मानतो की आज मला त्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवर बोलण्याचं एक किंवा मार्गदर्शन करण्याचा एक अनुभव शेअर करण्याचा आज जो मला चान्स दिलेला आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचं धन्यवाद मानून आजच्या लेक्चरला मी आपल्या सुरुवात करत आहे. तर आजचा लेक्चर आपल्याला सर्वांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे की हे सेक्शन 77A to 79 सबसे एक आज के डेट में चल रहा है कि प्रशासक हमारी संस्था में लगा है और उसके बारे में ज्यादा चर्चा चालू है. तो हम ज्यादा नहीं बट छोटे से सेक्शन में बात करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक दिन भी चर्चा करने के ले लेंगे तो भी कम है. सेक्शन 77A एप्लीकेबल होता है कभी और प्रशासक आते हैं उसकी कैसी प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि मैं एज अ प्रशासक भी रह गया हूँ कई संस्था पे, एज अ इंक्वायरी ऑफिसर भी रह गया हूँ. तो हमको प्रैक्टिस और केसेस भी हम कोर्ट में फाइल करते हैं या जब भी हेयरिंग करते हैं तभी क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आती है या सोल्यूशन क्रिएट होना जरूरी पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं छोटे थोड़े साइड में. यह 77A में यह प्रोविजन है कि सह निबंधक को अधिकार दिया गया है. हम इसमें सह निबंधक इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्यादा बोल रहे हैं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार का मैं इसलिए ज्यादा उच्चार करता हूँ क्योंकि हम सिडको में काम करते हैं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस उधर क्रिएटेड बोलता है, सह निबंधक बोला जाता है या ज्वाइंट रजिस्ट्रार बोला जाता है. तो मैं आप लोगों को उधर जो थाना में करते हैं DDR ऑफिसर होते हैं और सिडको में जो ऑफिसर है वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, सह निबंधक बोलते हैं. तो इसलिए मेरा प्रोनाउंस में ज्यादा आपको सह निबंधक आता रहेगा क्योंकि वही पोस्ट है लेकिन इधर हम उसको ज्वाइंट रजिस्ट्रार बोला जाता है, उसका वो डेजिग्नेशन डिफाइन किया है लॉ में. तो सेक्शन 77A में प्रशासक आता ही कैसे है, ये प्रशासक आता है इसमें तीन बड़ा एक्टिविटीज होती है आने का कारण. पहला एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कमेटी अपनी वर्किंग है वो कमेटी पे कोई बड़ा ऑब्लिगेशंस आया है. बड़ा ऑब्लिगेशंस मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, छोटा मोटा चलता रहता है, कोई भी संस्था कार्य करते समय कई सारे बेसिक वायलेशंस होते हैं उसके ऊपर प्रशासक नहीं आता है. लेकिन जैसे बेसिकली मैं मानता हूँ कि सेक्शन 81 का ऑडिट नहीं किया आपने या सेक्शन 75 के साथ AGM कोई नहीं किया 30 सितंबर के पहला, ऐसे कई सारे बेसिक जो होना मैंडेटरी है वो नहीं होते हैं, ऐसे काल में प्रशासक उधर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये एक होता है. ये दोनों टाइप से होता है, सुमोटो लेते हैं या एप्लीकेशन आने के बाद लेते हैं. तो एक पहला इंपॉर्टेंट है वो संस्थे में कमिटी ने वायलेशन किया है. दूसरा प्रशासक कभी आता है कारण से, जब भी एखादी संस्था में जो हमारा कोरम होना जरूरी है वो कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसमें कमेटी का कोरम इनकम्प्लीटेड है इसलिए MC मीटिंग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे और ऐसे कंडीशन में संस्था चलाना मुश्किल होती है, कोई भी कार्य करना मुश्किल होता है. ऐसे कंडीशन पे रजिस्ट्रार या DDR उधर अपना प्रशासक अपॉइंटमेंट करते हैं. और क्या होता है प्रशासक अपॉइंटमेंट करने का, कई बार आप देखेंगे तो कई संस्था ने इलेक्शन ही नहीं लिया है ऑफिशियली, बस AGM में जैसे हमारा 2014 का कायदा आया है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें इलेक्शन प्राधिकरण निवडणूक प्राधिकरण है उनके माध्यम से इलेक्शन लिया ही नहीं है. ऐसे जगह पे संस्था ऐसे कंडीशन पे चलाना मुश्किल होता है, इलेक्शन लिया गया नहीं है ऑफिशियल, ये कारण से निबंधक या ज्वाइंट रजिस्ट्रार निबंधक उधर प्रशासक का अपॉइंटमेंट किया जाता है. और एक कारण होता है प्रशासक अपॉइंटमेंट करने का, कई सारे संस्था में एकाधिक सेक्रेटरी है, चेयरमैन है या कोई कमेटी मेंबर है, उसने बड़ा वायलेशन किया है, मतलब उसके ऊपर बड़ा आरोप हो गया और उसके बेसिस पे संस्था चलाना बहुत मुश्किल होती है. ऐसे लोगों के साथ डिसीजन प्रॉपर लिया नहीं जा रहा है, ऐसा कोई कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास जाता है तो उधर रजिस्ट्रार उनको निकाल के अपने प्रशासक का अपॉइंटमेंट करता है. ये सब सेक्शन प्रोविजन 77A में प्रोविजन्स है. तो ये 77A में प्रोविजन्स ये कारण से उधर कोई भी कमेटी हटा के प्रशासक लग सकती है. अभी प्रशासक लगाना मतलब कोई तो थर्ड पर्सन चाहिए क्योंकि इसमें ये प्रोविजन है
जो इलेक्टेड कमिटीज है या लास्ट कमिटीज है उसमें से किसी को भी लिया नहीं जाता है, तो उसमें से लिया नहीं जाएगा तो किसको दिया जाएगा? तो पहला एक उसमें प्रेफरेंस रहता है कि वही सेम बिल्डिंग में या सेम संस्था में मेजोरिटी से कोई तीन लोगों का नाम चला जाता है रजिस्ट्रार के पास या डीडीआर के पास। मेजोरिटी से मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लॉ में ऐसा कोई जगह लिखा नहीं है 51% लोगों का आएगा तो ही रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट वो कमेटी होएगा या 70% आएगा, ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन है? और कोई भी एजीएम या कोई भी डिसीजन लिया जाता है मेजोरिटी से कोऑपरेटिव में लिया जाता है, इसलिए मैं मेजोरिटी एक्टिविटीज वर्ड बोल रहा हूँ। तो एक एग्जांपल 51% का कोई सिग्नेचर चला जाता है या 60% का सिग्नेचर चला जाता है ये तीन लोगों का, हम प्राधिकृत कमेटी बना लो, तो ये प्राधिकृत कमेटी बन जाती है। अभी इसलिए मैं प्राधिकृत बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, बदलाव आया है, उसमें कोऑपरेटिव को एक स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल में ही उसका अमेंडमेंट हुआ है और उसमें प्राधिकृत वर्डिंग दिया है, प्रशासक करके वर्डिंग हटा दिया। तो ये जब प्राधिकृत कमेटी होती है तब जो ऐसा प्राधिकृत कमेटी नहीं कर सकता, उनके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आया नहीं है और ऐसे लोगों का चुनना मुश्किल है, ऐसे कंडीशन पे रजिस्ट्रार वो डीडीआर या रजिस्ट्रार उधर अपना एक पैनल बनाया रहता है इलेक्शन ऑफिसर जैसे ही, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर करके एक पैनल वो खुद ही बनाते हैं। उसके पहले उन पैनल कैसा बनता है उसकी प्रोसीडिंग अलग है, उसको आज हमने चर्चा कर, लेकिन उनका डिफाइंड पैनल है, वो पैनल से एक ऑफिसर को उधर असाइनमेंट किया जाता है। मोस्टली पहला 3 महीने के लिए असाइनमेंट किया जाता है, उसके बाद और 3 महीना उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। ये लॉ में प्रोविजन है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, सॉरी 6 महीना तक उसको एज अ प्राधिकृत अधिकारी करके उसको डिप्लॉय हो सकता है वो पर्सन को। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो भी प्राधिकृत अधिकारी डिसीजन लेगा ये सब रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? उधर के डीडीआर या ज्वाइंट रजिस्ट्रार जिन्होंने आदेश दिया है, मतलब जो कार्य करेगा ये पूरा का पूरा कार्य प्राधिकृत अधिकारी जो काम आदेश देने वाले रहते हैं वो पूरा का पूरा कार्य अपना डीडीआर या ज्वाइंट रजिस्ट्रार का आदेश अन्वय हो रहा है ऐसा करके कंसेंट्रेशन हो, तो हर चीज के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं। तो एक बार 77A में ये प्रोविजन है कि हम कौन किसको कैसे निवड़ होती है, ये हो गया। इसमें सब कंडीशन लिखा जाता है, कई जगह उसका प्राधिकृत अधिकारी का पेमेंट का डिसाइडेड होता है, पीरियड होता है, उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। अभी आप लोगों का सबका क्वेश्चन आएगा, हमारे साल 1.5 साल हो गया, हमारे संस्था में 1 साल हो गया है, तो ये प्राधिकृत अधिकारी होता है या प्राधिकृत कमेटी होती है, इसका मेन कार्य होता है वो संस्था का दैनंदिन डे टू डे ट्रांजैक्शन चलाना, मतलब कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना पहली बार, इवन वो किसी मेंबरशिप को मेंबरशिप भी नहीं कर सकता है, सोसाइटी का जो कोई मेंबरशिप का एप्लीकेशन आता है वो भी प्राधिकृत अधिकारी ले नहीं सकता डिसीजन या प्राधिकृत कमेटी। तो उसको दो ही कार्य रहता है, एक डे टू डे अफेयर्स चलाना, सेकेंड कार्य है जल्दी से जल्दी संस्था का इलेक्शन करा के अधिकृत पर नहीं उसकी अथोराइज इलेक्शन के चैनल से इलेक्शन करवा के कमेटी के हाथ में उसका जो भी हैंड ओवर करवा के निकल जाना। ये दो ही काम रहता है, तो उसके अलावा और कोई काम उनके पास नहीं रहता। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि हमारे संस्था में 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आज के डेट में इलेक्शन की गाइडलाइंस नहीं हुआ है, आपको मालूम है 154B 9 मार्च को एक नया अपना हाउसिंग सोसाइटी का चैप्टर आया है, उसमें ये हाउसिंग के 250 बिलोज की अलग प्रोसीडिंग के लिए आदेश दिया गया है, मतलब उसका लॉ प्रोसीडिंग बनाने के लिए बोला गया है जो आज तक बनाया नहीं, मतलब आप इलेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इलेक्शन की गाइडलाइंस क्रिएट होएगा तभी तो वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी या अथोराइज ऑफिसर वो इलेक्शन ले लेगा। इसीलिए आज के डेट में वो संस्था किसको हैंड ओवर करे इसके लिए वो एक गैप क्रिएटेड है, इसलिए आज के डेट में सब इलेक्शन ऑफिसर्स सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या प्राधिकृत अधिकारी उधर 1.5 साल 1-1 साल चल रहे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि कमेटी के सॉरी हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो मेजोरिटी एक साथ आके अपना चेंज करने के लिए एप्लीकेशन सह निबंधक को दे सकते हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार को आप दे सकते हैं। ये बेसिस पे
निबंधक को देने के बाद एप्लीकेशन मेजोरिटी से उसको चेंज किया जाएगा ऑफिसर को, या उधर तीन लोगों की प्राधिकृत कमेटी बनाया जा सकता है। ये आपको कभी भी पावर्स है। इसके साथ रजिस्ट्रार को पावर्स है, डीडीआर को पावर्स है कि जो प्रशासक नियुक्त किया है, प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है, उसको चेंज करने का अधिकार पूरा सहनिबंधक को है या डीडीआर को। उसके साथ उसका रेम्यूनरेशन, उसको ऑर्डर देने का, उसका फॉलोअप रखने का, उसका मंथली जो भी कुछ उसका मिनट्स है या उसका अकाउंट्स है वो लेने का, वो पूरा जिम्मेदारी सहनिबंधक या डीडीआर के पास पहुंची है। तो बेसिकली 77 में इतना ही है कि वो कमेटी कैसी आती है। आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा करके 77 ए में ही ऑर्डर्स पास हुआ है, क्योंकि 77 में रजिस्ट्रार को पूरे पावर्स है, सुमोटो हो या एप्लीकेशन बेसिस हो, उधर कमेटी बर्खास्त करके ये चाहे निबंधक को आदेश देके उधर प्राधिकृत कमेटी डिप्लॉय कर सकते हैं या प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अभी सेक्शन 78 आप क्या देखेंगे उसमें, सेक्शन 78 में प्रोविजन है कि कोई भी कमेटी चल रही है, वर्किंग है, उसका काम करने का रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। ये अधिकार दिया है 78 में रजिस्ट्रार को। अभी हमारे कई सारे वकील लोग हैं, उनको इसके बारे में 70 में थोड़ा एक मैटर अपना हाउसिंग के लिए आना नहीं आना, इसके ऊपर हर जगह अलग अलग कॉन्ट्रारी चालू है, उसमें हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है। लेकिन जो लॉ में प्रोविजन है 78 में, सह निबंधक या डीडीआर जो भी है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या डीडीआर ऑफिसर, उधर जो वर्किंग कमेटी है उसको रिस्ट्रेन मतलब उसको स्टॉप कराती है एक्टिविटीज करने को, मतलब उसको एक लेवल से बर्खास्त कर लेती है। अभी ये बर्खास्त करने का कारण आप लोगों को मालूम है, जो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस मेंशन किया है उसका वायलेशन हो रहा है, वो सुमोटो बेसिस पे या एप्लीकेशन बेसिस पे उधर ले सकती है। 78 में ये पूरा का पूरा अधिकार है सह निबंधक को या डीडीआर को, उधर अपना आदमी को बिठा के उधर की संस्था कायदे के तरह से चलाए, उधर के कमेटी का इंटरफेयर बंद करे, और जो उसको कंप्लेंट आई है उसमें स्पेसिफाइड होती है कई बार 78 में प्रोविजन। एक आधे सोसाइटी मेंबर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहा है आफ्टर ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑर्डर, ऐसे कालावधि में भी सह निबंधक क्या करता है, उधर अपना एक अधिकारी भेजता है, वो काम करवाता है और वो निकल जाता है। मतलब अभी मेंबर्स को सर्टिफिकेट शेयर देने हैं तो वो आएगा ऑफिसर, उसको जो भी डिप्लॉय किया वो उतना काम करेगा और उसको निकल जाएगा, वो भी अधिकार उसको सह निबंधक या डीडीआर के पास मिलते हैं। इसमें भी आप देखने के लिए जाएंगे तो उसमें भी 6 महीने का वैलिडिटी है। प्राधिकृत अधिकारी का लॉ में देखने के लिए जाएंगे 6 मंथ के ऊपर किधर भी प्रोविजन नहीं है। तो 78 में मैक्सिमम प्रशासक को काम करवा के निकल जाना है। अभी आज मैं ज्यादा करके शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा पॉइंट कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। 78 ए में क्या प्रोविजन है, उधर जो वर्किंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है, उसको निष्कासित मतलब उधर को निकल निकाल लिखा उधर से, मतलब पूरी कमेटी का पावर्स स्टॉप करके उसको अपने कार्य में अपने अधिकार में लेने का। ये 78 ए में प्रोविजन है, निष्कासित मतलब पूरी कमेटी स्टॉप कर लेने का। लेकिन इसमें भी वापस आप देखेंगे तो 6 महीने का ही लिमिटेशन है। इसमें भी दूसरा एक है, जो ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा सह निबंधक के डीडीआर को। 78 ए में वर्किंग कमिटी स्टॉप हो जाती है, जो काम करने का है कायदे के जो वायलेशन हुआ वो टेम्पररी बेसिस पे प्राधिकृत अधिकारी से करवा के लेने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाता है और वो रिपोर्टिंग बेसिस पे उसको उसके पैनल के थ्रू किया जाता है। अभी 79 मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये अकाउंट सबमिशन की प्रोसीडिंग के बारे में, 79 ए एक इंपॉर्टेंट है।
79 ये एक एडिशनल इसीलिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट ही ऐसा है लोकहिताच्या दृष्टीने निर्देश देण्याचा शासनाचा अधिकार, मतलब पब्लिक के फेवर में पब्लिक के ध्यान रख के खुद शासन, मतलब स्वनिबंध क्या डीडीआर जो भी है या कोई और थर्ड डिपार्टमेंट उसको आदेश दे सकते हैं और उसके तरह से उधर के कमेटीज बर्खास्त कर सकते हैं और उधर के कमेटीज बर्खास्त करने के बाद उसमें जो भी कार्य है इम्पोर्टेंट लॉ का वायलेशन है उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं या उसको कायदे का नियमन से इलेक्शन लेके उसके कमेटीज इस्टेब्लिश करे या कोई रेवेन्यू क्रिएटेड है गवर्नमेंट का वो निकाल के दे दे, कई गवर्नमेंट का लॉसेस क्रिएटेड है उधर से, ये कोऑपरेटिव पूरा एक्ट के लिए है, नहीं ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये स्पेसिफाइड नहीं, ये पूरा जैसे बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होते हैं शुगर फैक्ट्रीज होती है या मिल्क स्टेशन होते हैं वो सबके लिए है, इसमें गवर्नमेंट का भी कई पैसा डाला हुआ रहता है इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोलाइज करते हैं। तो ये 79 ये लोक हित बोलते हैं जो पब्लिक के फेवर में पब्लिक के ध्यान रख के ये ऐसे डिसीजन लिया जाता है। बाकी 79A है वो कोई हमारे आज के सब्जेक्ट में नहीं है क्योंकि वो एक अलग है निर्देश देने का अधिकार। तो मेरे ख्याल से हम आज ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, मोटा मोटा पॉइंट्स ले लिया है कि लोगों को मालूम पड़े कि प्रशासक का काम, अभी दो मिनट में खाली ब्रीफ करता हूँ कि प्रशासक का क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसमें जो भी मेरे ख्याल से लोग हैं ये समझते हैं कि कमिटीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो प्रशासक के एंगल से भी उन्होंने देखना चाहिए, इसलिए मैं ये एक दो मिनट का बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी मेरा दिन भर एक सोसाइटी में कोविड का एक मिला है पेशेंट, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक प्रशासक काम करते समय, कल मेरे एक सोसाइटी में पानी का मोटर जल गया है तो उधर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, 113 लोगों की सोसाइटी है, तो ऐसे कंडीशन पे प्रशासक क्या कर सकता है, ये सब ध्यान में देते हैं प्रशासक के पास संस्था जाना ही नहीं चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है कोई भी हालत में प्रशासक के पास संस्था अपनी जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा किसी दूसरे के जेब में डाल के वापस वही पैसा मांग के खर्चा करने का ऐसी इसमें प्रोविजंस क्रिएटेड होती है, पैसा खुद का ही आपका ही है, आपका पैसा किधर दे रहा है प्रशासक के जेब में दे रहा है और कल से मांग रहे हैं कि मेरे को लाइट बिल भरने का 500 दे दो, पानी का कनेक्शन लेना है मतलब खर्चा करना है 800 रुपए दे दो, ऐसे एंगल से होता है। इसलिए मेरा पहला सब मेंबर्स को निवेदन रहता है कि हर सोसाइटी में झगड़ा या ट्रबलनेस या प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होते हैं लेकिन प्रशासक नहीं आए, ये आप मैक्सिमम ध्यान दे दीजिए क्योंकि संस्था आपकी है, पैसे भी आपके हैं और आगे आपको ही चलाना है। दूसरा एक मैं प्रैक्टिकल में अप्रोच करता हूँ, हर संस्था में अकाउंट्स में डिस्प्यूटेड होते हैं और उधर प्रशासक को अधिकार नहीं रहता है कि उसको इमिजिएटली रेक्टिफाइड करे, क्योंकि उधर ऑडिट करवा के लेना, पुराना बैकडेटेड का रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, कई संस्था में स्टाफ नहीं होता है, एम्प्लॉयज नहीं होता है तो उधर एम्प्लॉयज क्रिएट करके उसको डेटा रिस्टोर करना, ये सब इतने लिमिटेशन इतने लिमिटेड टाइम में नहीं होता है। और ज्यादा कई सारे संस्था में आप देखने के लिए जाएंगे तो प्रशासक आने के बाद मेस बढ़ गया है क्योंकि जो सिंसियरली सोसाइटीज के कई कमिटीज मेंबर्स काम कर रही है उतना सिंसियरली प्रशासक कर सकता है कि नहीं कर सकता इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मैं आप सबको जो भी मेरा मतलब लेक्चर सुनेंगे उनको विनती है, आपका ट्रबलनेस आपके प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन आंसर्स आप इंटरनल बैठ के रिजोल्व करो, सॉल्यूशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो पक्का आपके पास संस्था में उधर प्रशासक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप ये आए नहीं इसके लिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए, संस्था के लेवल पे ही उसको हैंडल करने की प्रोविजन करिए। थैंक यू।